नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सरपंचों ने चंडीगढ़ कूच किया है। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। पंचकुला और चंडीगढ़ पुलिस अलर्ट है। सरपंचों को चंडीगढ़ जाने से रोकने की तैयारी है। ई टेंडरिंग समेत कई मांगों को लेकर नाराजगी जताई गई है। सरपंचों को हाउसिंग बोर्ड चौक पर ही रोकने की तैयारी की जा रही, ई टेंडरिंग को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें, सरपंचों ने चंडीगढ़ कूच किया है। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था है। पंचकुला और चंडीगढ़ पुलिस अलर्ट है। सरपंचों को चंडीगढ़ जाने से रोकने की तैयारी की गई है। ई टेंडरिंग समेत कई मांगों को लेकर नाराजगी सरपंचों में है और चंडीगढ़ कूच किया है सरपंचों ने। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त और बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। सरपंचों ने चंडीगढ़ कूच किया है, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सरपंचों को चंडीगढ़ जाने से रुका किया है। इस वक्त ये लाइव तस्वीर पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए सरपंच आगे बढ़ रहे हैं चंडीगढ़ कूच के लिए, लेकिन बॉर्डर पर ही सुरक्षा जवानों ने इन सरपंचों को रोका है। ई टेंडरिंग बंद करो स्लोगन लिखी हुई तख्ती आप तस्वीर में देख सकते हैं। ई टेंडरिंग समेत कई मुद्दे जिन पर अपनी मांगों को लेकर लगातार लामबंद है सरपंच, और अब चंडीगढ़ कूच के लिए सरपंच निकले पंचकुला से। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर ही सरपंचों को पुलिस ने रोक दिया है। सरपंचों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हाथों में बैनर पोस्टर हैं, तख्तियां लेकर ई टेंडरिंग बंद करो लिखे स्लोगन वाली तख्तियां सरपंचों के हाथों में हैं, और देखिए कैसे पेड़ पर चढ़कर अपना विरोध जता रही हैं। बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में चंडीगढ़ कूच के लिए सरपंच पंचकुला से निकले, और फिलहाल ये बॉर्डर की लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर से। इस वक्त ये लाइव तस्वीर सरपंचों को बॉर्डर पर ही रोका गया है। तो पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर से इस वक्त ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। विरोध कर रहे हैं, आज प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है इस प्रदर्शन के बाद सरकार सुनेगी आपकी? हाँ जी, बिल्कुल सुनेगी, अपना हक लेके जाएंगे। कहाँ से आए आप? हम बुटाना से आए हैं, गोहाना तहसील। सभी सरपंच यहाँ पर पहुँचे, लगभग कितनी तादाद होगी सरपंचों की जो आज यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल होंगे? मैडम लाखों की तादाद में पहुँचे सरपंच, 6000 से ज्यादा है जी, 6000 से ज्यादा सरपंच आए हैं। रही मांग की बात, मांग तो खट्टर साहब को माननी पड़ेगी जी, लेकिन तंग कितना कर सकता है वो तंग करके देख रहा है। सरपंचों की मांग तो माननी पड़ेगी, 100% माननी पड़ेगी, आप सच्चाई मानो। कोई भी है, कोई भी हक है, अपना लेके जाएंगे। यहाँ पे प्रशासन ने तो बैरिकेटिंग कर रखी है, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा यहाँ से कह रहे हैं वो। मैडम सरकार अपनी तानाशाही कर रही है, ठीक है। हाँ, जो सरपंच साहिबान यहाँ आए हुए हैं वो पूरे रेगुलेशन से अपने आंदोलन कर रहे हैं, कोई वो नहीं है गुंडागर्दी, कुछ नहीं है, बस अपनी मांगे हम पूरे हक से उनके सामने रख रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 1.5 साल बाद इलेक्शन है, अगर सरकार को घुटने पर नहीं बिठा देना तो ये भी सरपंच एकता नहीं होगी हरियाणा की। सरकार तो यही कह रही है कि ई टेंडरिंग जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लेकर आ। मैम अगर भ्रष्टाचार रोकना था तो कोरोना के टाइम में 2 साल सरकार ने ई टेंडरिंग से काम किया, किसी भी सरपंच को उन 2 सालों का वस्ता नहीं मिला है, रिकॉर्ड नहीं मिला है। उन सारे पैसों को सेक्रेटरी, बीडीओ,
ये सब खा गए, ठीक है, उनका क्यों नहीं दिया रिकॉर्ड? ये दो साल से इटेंडेंट का ही तो हो रहा था। आप किसी भी गांव में जाके दे सकते हो, अगर 1% भी आपको गाँव मिला हो, गाँव में पूरे रास्ते खराब हो पड़े थे, इटेंडेंट से कोई भी नहीं चला। अगर ये इटेंडेंट को अभी लागू करनी थी, दो साल पहले करके देखी इन्होंने, तभी क्यों नहीं किया जब दो साल सरकार। कुछ लोग ऐसे हैं जो मान भी रहे, सरकार कह रही है उनके पास तो कामों के प्रस्ताव आ भी रहे हैं, कुछ काम शुरू भी हो चुके हैं, तो कुछ लोग इसे मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। नहीं, ये सब झूठ बोल रहे, सरकार झूठ बोल रही थी। एक भी सरपंच काम नहीं कर रहा, ये एक दूसरे सरपंच को बिठाने की बात कर रही है। ये बिठाने वाली सरकार, आपको पता है, पूरे देश को पता है कि कभी जात से कभी धर्म से ये लड़वाती है। कोई सरपंच काम नहीं कर रहा, ना किसी सरपंच के खाते में कोई पैसा आ रहा है। तो सरपंच के खातों में पैसा नहीं आ रहा है, साफ तौर पर ये यहाँ पर लोगों का कहना है। और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार ये कहती है कि टेंडरिंग पॉलिसी को हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन सरपंचों का इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचना, और ये कह रहे हैं कि कोरोना टाइम में जिस तरह से ई टेंडरिंग से काम हुआ, लेकिन सरपंचों को उसका फ़ायदा नहीं मिला, ना ही धरातल पर कोई विकास का काम हो सका, और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस पॉलिसी के तहत काम ना की जाए और BDOs को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो ना दी जाए, और सब जो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो सरकार वो सरपंचों के हाथ में होनी चाहिए, इसकी लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है। कितनी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में जो सरपंच है वो यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पर लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है।